राम राम किसान भाइयों, प्याज की फसल में इस टाइम एक बार फिर से बारिश स्टार्ट हो चुकी है। तो फिर से किसान भाइयों को प्याज की फसल में जलेबी रोग आने का डर सताने लगा है। तो प्याज की फसल से जलेबी रोग को आप किस प्रकार दूर भगाएं, या जलेबी रोग आने से पहले ही प्याज की फसल से, जो जलेबी रोग आने से पहले ही किस प्रकार उसका उपचार करें या रोकथाम करें, उसी की जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आपको मिलने वाली है। तो आप वीडियो पर अंत तक बने रहे हैं, हम यहाँ पर आपको जानकारी देंगे प्याज की फसल में वो कौन सी रासायनिक दवाइयाँ हैं जिनका आप प्रयोग कर कर जलेबी रोग को रोक सकते हो, और वो कौन सी सावधानियाँ हैं जिससे आने से पहले ही जलेबी रोग को आप अपनी प्याज की फसल में रोक सकते हैं। तो स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल HSP किसान के YouTube चैनल पर, जिस पर आपको खेती बाड़ी व बागवानी संबंधित एकदम सटीक जानकारी मिलती है। तो आइए बात करते हैं कौन सी वह दवाइयाँ हैं और किस प्रकार आप जलेबी रोग से बचाव कर सकते हैं। तो ये देखिए, आप प्याज की फसल में एक बार फिर से बारिश का दौर शुरू हो चुका है, और ये बेमौसम बारिश जो बरस रही है ये किसानों के ऊपर मार डाल रही है। क्योंकि एक तो प्याज की फसल, दूसरा सरसों की जो बिजाई है उसमें भी रोजाना की भांति लेट हो रही है, यानी जो सरसों का रकबा है इस बार बिजाई का वो काफ़ी 10 से 15 दिन पीछे सरक चुका है। तो जिस प्रकार प्याज की फसल में यदि इस प्रकार पानी भर जाता है, तो आप पानी की उचित निकासी करें किसान भाइयों। पानी का जो ठहराव आपकी प्याज की फसल में होगा, तो इससे जड़ गलाव की समस्या पैदा होगी, और जड़ गलाव के साथ साथ ही जलेबी रोग का प्रकोप आपकी प्याज की फसल में प्रवेश कर जाएगा, और आपकी प्याज की फसल धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी, जैसा कि आप वीडियो के माध्यम से देख पा रहे हैं। इस टाइम बारिश हो रही है, बूंदाबांदी हो रही है, और ये पानी फुल भरा हुआ है इस खेत में, और प्याज की फसल लगभग डूब चुकी है। तो इससे ये प्याज की फसल लगभग समाप्त होने की कगार पर है। अब हम बात करते हैं किस प्रकार आप कौन सा रासायनिक दवाई को छिड़काव कर कर अपनी प्याज की फसल को जलेबी रोग से बचाएं, क्योंकि बहुत से क्षेत्रों में प्याज की जो फसल है वो जलेबी रोग की वजह से पूर्णतः बर्बाद हो चुकी है। तो हम यहाँ पर पहले जो दवाई का नाम ले रहे हैं वो आपकी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं किसान भाइयों, गोली लियो वे, ये आती है जो रासायनिक दवाई आती है, लिक्विड में आती है। इसकी आपको बेसिक डोज मात्रा लेनी है, जो 40 ml प्रति स्प्रे टैंक की इसकी मात्रा लेनी है। और दूसरा आता है कोसाइड, कोसाइड ये जो पाउडर आता है इसको 25 ग्राम आप प्रति स्प्रे टैंक के माध्यम से इसकी मात्रा लें, और इन दोनों का मिश्रण करके जब बारिश समाप्त हो जाए और धूप खिलने लग जाए, तो उस समय खेत में पानी का भराव न हो उस टाइम आप इसका स्प्रे करें, और 3 से 4 दिन के अंतराल पर आप इसके 2 स्प्रे करें किसान भाइयों। तो जो आपकी प्याज की फसल में ये जो जलेबी रोग आने की संभावना है, ये जलेबी रोग प्रवेश कर चुका है, तो वह जहाँ पर है वहाँ के वहीं रुक जाएगा, और यदि नहीं है तो बिल्कुल भी नहीं आएगा आपकी प्याज की फसल में। तो जिससे आप अपनी प्याज की फसल को बचा सकते हैं, ये कोई ज़्यादा आप लागत इसमें लगेगी नहीं। तो आप अपनी प्याज की फसल को, जो हमने ये 2 स्प्रे बताए हैं, हम एक बार फिर से बता रहे हैं किसान भाइयों के लिए, गोली लियो वे ये आता है, और आप स्क्रीन पर इसकी जो फोटो देख सकते हैं, ये 40 ml आपको प्रति स्प्रे टैंक लेना है। और दूसरा आता है कोसाइड, ये आपको 25 ग्राम प्रति स्प्रे टैंक लेना है, ये पाउडर में आता है। ये सारी रासायनिक दवाई हैं, आप इन तमाम रासायनिक दवाइयों को बच्चों की पहुंच से दूर रखें, और आप भी स्प्रे करते समय मुंह पर मास्क लगाएं, हाथों में ग्लव्स अवश्य पहने किसान भाइयों, क्योंकि रासायनिक दवाई आपकी सेहत पर असर डालती हैं। और हो सकता है तो किसान भाई हो जहाँ तक जैविक खेती की ओर अग्रसर हो, क्योंकि रासायनिक खेती जो आपके स्वास्थ्य पे दुष्प्रभाव डालती हैं, जिससे कि बहुत से जो बीमारियां उत्पन्न होती हैं, जैसे कैंसर का मुख्य कारण ये रासायनिक दवाई हैं किसान भाइयों। लेकिन आजकल जो एक आदत सी बन गई है, जल्दी आप सुधार चाहते हैं खेती में, जल्दी सुधार के लिए पेस्टिसाइड रासायनिक दवाई को आप भर भर कर जो अपनी प्याज की फसल में उपयोग करते हैं। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें किसान भाइयों। धन्यवाद।